हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम टेंडर के बारे में। किस कंपनी को एग्ज़ाम टेंडर दिया गया है? आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया कि सर, किस कंपनी को एग्ज़ाम टेंडर दिया गया है? रेडियो ऑपरेटर जो एग्ज़ाम होना है वो किस कंपनी को दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि क्या TCS को दिया गया है, क्या सेफी को दिया गया है, क्या NSEILT को दिया गया है, क्या मेरिट ट्रैक को दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। ये चार कंपनियां जो टॉप लिस्ट की टॉप ऑनलाइन कंपनियां हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी इनमें से रेडियो ऑपरेटर को कराने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कंपनियों के लेके बात करें तो फ्रेंड्स, आप जो UPSI में कंपनी, आप लोग भी जानते हो, उत्तर प्रदेश UPSI यानी उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती थी उसका एग्ज़ाम कराई थी, तो काफ़ी भ्रष्ट कंपनी थी। तो UPPRB यानी आयोग ने उस कंपनी को जानबूझकर, जान रहे थे कि कई राज्यों में, तीन चार राज्यों में, यूपी भारत के तीन चार राज्यों में वह कंपनी बैन है। ठीक है, उस कंपनी की बात कर रहे हैं, NSEILT, मतलब ये कंपनी जो है बैन है। ठीक है, भारत में ये कंपनी तीन चार स्टेट में बैन है, तब भी इन्हें उत्तर प्रदेश आयोग ने UPSI परीक्षा यानी दरोगा भर्ती को इसको एग्ज़ाम कराने का यानी कंडक्ट कराने का मौका दिया। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा धांधली हुई। इससे क्या हुआ कि पढ़ने वाले जो ठीक ठाक स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बहुत हाई कट ऑफ गई, आप लोग भी जानते हो, 126 जनरल गई, 122 OBC गई है, और वो भी 160 में से। तो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और पेपर इतना भी आसान नहीं था जितना लोग कह रहे थे। ठीक है, तो ये आप लोग देखोगे कंपनी ने काफ़ी धांधली किया और कितने लोग पकड़े जा रहे थे, कितना लोग धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो ये UPSI को लेकर एक काफ़ी चिंता थी इस कंपनी को लेकर। तो वैसा ही हुआ जैसे सब लोग स्टूडेंट लगभग डाउट कर रहे थे कि पेपर इसमें बहुत ज़्यादा इस कंपनी लीक कराती है और सीधे सीधे एग्ज़ाम हैकर होता है वो भी स्क्रीन शेयर्स के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग खुद देख लिए होंगे कितने न्यूज़पेपर में कितने प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो जो NSEILT कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंपनी है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें एक दुखद समाचार के रूप में, जो UPPRB आयोग है और इसी कंपनी को फिर से टेंडर मिला है, कोई अपडेट, कोई बदलाव नहीं किया जो UPPRB ने तय किया था कि जो NSEILT कंपनी को ही टेंडर दिया जाए, क्योंकि TCS को कुछ लोग डिमांड कर रहे थे सर TCS के लिए, तो TCS क्यों नहीं कराई? देखिए, TCS का थोड़ा प्राइस भी हाई रहता है। ठीक है, और दूसरी बात, TCS कराने के लिए यहाँ मतलब बीडिंग भी उतना नहीं लगा, उतना जोर दी थी जितना SSC में, बैंकिंग में, रेलवे में देती है। ठीक है, तो उतना यहाँ यूपी में ज़्यादातर वैकेंसियाँ यही लोकल सब कराती हैं, लेकिन TCS यहाँ ज़्यादा नहीं आ पाती। ठीक है, तो यहाँ आप लोग भी जानते हैं पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा रहता है, भ्रष्ट रहता है, उनको रिश्वत दो तब जाकर टेंडर मिलता है। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए TCS तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी जो कंपनी फिलहाल में आने वाली है वो ये फ्रेंड्स यही है, NSEILT कराएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें NSEILT का आप लोग रेटिंग दिखा देते हैं, आप लोग सर्च करेंगे गूगल पे, आप लोग रेटिंग आ जाए, इतनी ख़राब रेटिंग है तब भी आयोग ने इसे एग्ज़ाम कराने का मौका दे रहा है रेडियो ऑपरेटर का। जैसे कि मैंने ये सर्च किया था, आप लोग खुद देख सकते हैं कि इज NSEILT इज ए गुड कंपनी। तो आप लोग, मैंने पूछा था क्या NSEILT जो कंपनी है वो एक अच्छी कंपनी है, तो यहाँ आप लोग रेटिंग खुद देख सकते हैं कि इज NSEILT ए गुड कंपनी टू वर्क फॉर, NSEILT हैज़ एन ओवरऑल रेटिंग, आप रेटिंग खुद देख सकते हैं, 3.4 out of 5। तो ये फ्रेंड्स कितनी ख़राब रेटिंग है आप खुद देख सकते हैं, आज की डेट में जिसका रेटिंग 4.4 से ऊपर रहता है वो बेटर मानी जाती है आउट ऑफ 5 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.4 है, तो काफ़ी ख़राब रेटिंग है आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बेस्ड ऑन ओवर 603 रिवर्स लेफ्ट एनोनिमस बाई द एम्प्लॉय, 60% ऑफ एम्प्लॉय
वुड रिकमेंड वर्किंग एट NSEIT टू अ फ्रेंड एंड 59 हैव पॉजिटिव आउटलुक फॉर द बिजनेस। ठीक है, दिस रेटिंग हैज़ बीन स्टेबल ओवर द पास्ट 12 मिनट। यह फ्रेंड्स 12 मंथ, यह पिछले 12 महीने यानी 1 साल से यही रेटिंग इसकी लगातार बनी हुई है और इसमें गिरावट ही चली जा रही है, कोई प्रोग्रेस इसमें नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं NSEIT कंपनी का रेटिंग आपको मैंने खुद दिखा दिया, 3.4 है। ठीक है, तो काफ़ी ख़राब कंपनी है, लेकिन UPPRB आयोग ने फिर से इस कंपनी को टेंडर दे दिया है। तो एग्ज़ाम तो होगा, आप लोग भी जानते हैं एग्ज़ाम तो कराएगा यूपी गवर्नमेंट, तो योगी बाबा की गवर्नमेंट, अब देखिए क्या करते हैं। तो एग्ज़ाम तो कराएंगे, लेकिन कंपनियां अगर बदल देते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि थोड़ा धांधली कम हो जाएगी, नहीं तो फिर से कंपनियां यही धांधली UPSI की तरह हुई तो कटाव बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। मैं स्पेशल आपको अगर यही कंपनियाँ रहती हैं RTI के माध्यम से, अभी तो पता चला है कि NSEIT कंपनी कराएगी इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना था। काफ़ी लोगों को डाउट था कि सर किस कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो फ्रेंड्स यही कंपनी है जो UPSI को एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एग्ज़ाम टेंडर से लेकर, रेडियो ऑपरेटर को जो एग्ज़ाम टेंडर से लेकर किस कंपनी को दिया गया है, डाउट क्लियर हो गया है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि कंपनियाँ जान रहे हैं आप लोग भी भ्रष्ट हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इसमें हेड ऑपरेटर एक SI ग्रेड की नौकरी, आप लोग भी जानते हैं, इसको भी बेच सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर को भी बेच सकते हैं, तो काफ़ी सारा बेच देंगे ये लोग पोस्टें, ऐसा नहीं है। और पोस्टें जो है आप लोग भी जानते हैं 2430 टोटल रेडियो ऑपरेटर की भर्ती की पोस्टें हैं, उसमें भी ये लोग पैसे चलाएँगे अंदर अंदर। ठीक है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।